वफाकी हुकूमत ने कराची को सिंध से अलग करने की कोशिश की। कराची की कदीम बस्ती लियारी में सिंध के जजायर डिंगी और भंडार के खिलाफ लियारी अवामी महाज की जानिब से मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में लियारी के पढ़े लिखे सियासी समाजी तरक्की पसंद दोस्तों ने शिरकत की। उस मौके पे मुजाहरे को खिताब करते हुए अमानुल्लाह शेख, अब्दुल खालिक जुनेजो, कामरेड नासिर मंसूर जहरा खान, खालिक सदरान, कामरेड उस्मान बलोच, गुलहसन कलमती, रुखमान गुलपालारी, सईद बलोच और दीगर ने खिताब किया। रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि भंडार और डिंगी जजायर पे किसी भी सूरत में कब्जे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध के इतने आम मसले पर आज ये मुजाहरा किया है। लियारी ही असल कराची तो लियारी है, पर आज सिंध की जिदोजहद का, सिंध के हुकूमत की जिदोजहद का मरकज कराची है और कराची के सियासी जिदोजहद का, जो अवामी जिदोजहद तरक्की पसंद जिदोजहद का मरकज हमेशा लियारी रही है। सिंध के तीन सौ और बलूचिस्तान के जजायर का फर्क कब्जे का मसला है और जब तक ये कब्जा खत्म नहीं होगा, जब तक आगे में वापस नहीं होगी, हम सब इसी तरह रोडों पर होंगे, इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम लियारी के उस इलाके में एहतजाज कर रहे हैं जो माही गिरों की बस्ती है और इन दोनों जजायर का ताल्लुक इन माही गिरों से है और वो किसी भी सूरत में वफाक को इजाज़त नहीं देंगे कि वो सिंध के जजायर पे कब्जा करे। वफाकी हुकूमत ने कराची को सिंध से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिंध के साहली पट्टी पे सिंध और बलूचिस्तान के करीबन 200 के करीब जजायर हैं जिस पर वफाक कब्जा करना चाहता है और वो उसके खिलाफ हर सूरत में मुजामत करेंगे और उसे नाकाम बना देंगे।